गुड मॉर्निंग क्लास पे। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी। हिंदी एरेंजियम यहाँ पे आप देख रहे हैं कक्षा 5। और यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे बच्चों अभी तक आपके नन्ना फनकार जो पार्ट था, पार्ट 4, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा कंटिन्यू है, पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो हमारे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अभ्यास प्रश्न हम इसमें करेंगे। तो सभी बच्चे अपने जो है पेज नंबर 39 इसको ओपन कर लेंगे, लास्ट 5th पेज नंबर 39। तो इसमें कुछ आपके अभ्यास प्रश्न हैं, ये आपका पेज नंबर 39। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा है केशव की घंटियाँ, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं, बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी, ठीक है ना। आपने पाठ में पढ़ा जब केशव क्या कर रहा था, घंटियाँ उकेर रहा था, तो बादशाह अकबर ने क्या कहा, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं, बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। तो क इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क ख ग घ ग, ठीक है ना। अच्छा, तो केशव के काम की तारीफ में, क्या अकबर केशव के काम की तारीफ करना चाहते थे, ख यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, ग केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घ घंटियाँ कितनी किसने बनाई यह जानने के लिए, अग्गा क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वह कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, और च है कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो अकबर ने जो ये पूछा कि माशा अल्लाह घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है, तो बादशाह अकबर ने बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का कोई बच्चा इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। तो यहाँ पे ये आंसर है आपका बच्चों ग। तो इसको आप अपनी जो है कॉपी पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 में देख रहे हैं, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था, उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियाँ और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसे जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ, ठीक है ना। अगर आपको अगर ऐसी कुछ इमारत नज़र आ रही जिसमें बहुत सारे क्या हैं आकृतियां बनी हो, ठीक है ना, जैसे इसमें आपने देखा कि केशव घंटियाँ उकेर रहा है, ठीक है, बुक में भी आपके कई जगह बना हुआ है, आकृतियाँ बनी हैं, तो इस तरीके से आप अपनी क्या कहीं अगर आपको मिलता है इस तरीके से, तो आप अपनी कॉपी पे जो हिंदी की कॉपी उसमें चिपका सकते हैं। और जो घंटियाँ केशव पत्थर पर घंटियाँ कड़ियाँ तराश रहा है, उस तरीके की आपने देखा है कि उसमें क्या कर रहा था, केशव जो बना रहा था घंटियाँ, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं अपनी इस तरीके से यहाँ पे, और पेज में यहाँ पे देखिए ये बनाई आकृतियाँ बनाई हैं, इस तरीके से आप अपनी कॉपी पेज को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आना जाना, ठीक है, प्रश्न क्या आया है, आना जाना। तो यहाँ पे है केशव के पिता, जो केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा जो केशव के पिताजी थे वो गुजरात में पहले रहते थे और आगरा आके बस गए। हो सकता है तुम या तुम्हारे साथियों के माता पिता, ठीक है ना, कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों, बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से या अपने घर में किसी को भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपने घर से कहीं बाहर आप आए हैं तो आप पूछ सकते हैं अपनी मम्मी से पापा से कि मम्मी पापा हम यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे किस कारण से हम अपने घर छोड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। तो कुछ की वजह हो सकता है, नौकरी की वजह से, जॉब की वजह से, या कुछ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर की तरफ लाते हैं, ठीक है ना, कई कारण हो सकते हैं। तो आप अपने
जो है बड़ों को उसको पूछ सकते हैं कि क्या कारण था कि हम गांव से आकर शहरों की तरफ बसे या शहर छोड़ के हम गांव की तरफ गए, तो क्यों ऐसा हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आना जाना में, ठीक है ना। तो इनको आपने क्या करना है, आज अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था इसका तो गांव है आंसर, और इसको भी आपने क्या करना है, अपनी बुक से जो है ये आकृतियाँ उसमें बनानी है, और यहाँ पे आप अपने क्या है बड़ों से पूछ के इसको इसका आंसर जो है अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं।